हेलो हाय फ्रेंड्स, हम हैंड बास्केट बना रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट, ये अभी सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं लिखना भूल गई, पार्ट वन। तो अब देखिए, इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में कार्डबोर्ड लगा लिया और रोल्स लगा लिए हैं। अब हम यहाँ व्यू कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमने दो रोल्स लेके, देखिए यहाँ पे ये वीविंग कर ली है इसे। ये देखिए, ये ब्राउन बास्केट में मैंने बताया है ये कैसे करना। तो एक एक को हमने वीव करते लिया। फिर यहाँ आने के बाद हमने तीन ले लिए, ये भी हमने ब्राउन बास्केट में सिखाया है ये कैसे करना। तो वहाँ जाके आप देखिए, अब देखिए ये जो है, ये तीन देखिए, ये जो है इसके पीछे से आया है यहाँ, ये सेकंड है इसके पीछे से, और ये थर्ड है इसके पीछे से आया है। ये देखिए ऐसे, ये तीन। अब क्या होगा, ये लास्ट वाला है ना, ये ऐसे आएगा और हम इसे उठा के इसे फिर से सामने रखेंगे। अब ये लास्ट वाला है रोल, इसे ऐसे रखेंगे, इसे उठाएंगे और फिर सामने ला के रखेंगे। देखिए इसे, फिर ये जो लास्ट है इसे हम यहाँ ऐसे उठा, ऐसे करेंगे और इसे उठाएंगे, और फिर ये जो है फिर से ऐसे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह इसकी वीविंग होगी, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ चला जाए। अब यहाँ आने के बाद देखिए, हमें चेंज करना है, कलर्स चेंज करने हैं। ये जो है यहीं पे हमको कट कर देना है यहाँ, इसे हम यहाँ कट कर देते हैं ऐसे। अब ये दो है ना, यहाँ मैं ब्लैक लगा के ले रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लैक हैंड बास्केट कर रही हूँ। देखिए इस तरह हमने ये दोनों कट कर लिए। अब यहाँ मैं ब्लैक लगा के ले रही हूँ रोज। देखिए ऐसे, अब हम व्यू करेंगे इसे। ये देखिए, इसे थोड़ा सा फैला के व्यू करना है, थोड़ा सा बाहर लेते हुए। देखिए ऐसे, इस तरह हम वीविंग करते जाएंगे इसकी। दिखाई दे रहा है आपको, पता नहीं कहाँ है, कैसे रखूं। देखिए अब दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए, ये थोड़ा ऊपर आता है ना बास्केट, तो फिर अच्छे से नजर आएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे, थोड़ा सा बाहर लेके, ये सब अंदर अंदर ऐसे चले गए हैं ना, इसे थोड़ा बाहर करके वीविंग करना है। ये देखिए ऐसे, आप देखते जाइए तो आपको अपने आप मालूम पड़ेगा कैसे वीविंग हो रही है। ये पहले ब्राउन बास्केट में मैंने डिटेल में समझाया है,
वहां जाके आप देखना कैसे। देखिए अब इसी तरह हमें व्यू करते हुए एक शेप में इसे व्यू करके लेना है। और यहाँ पे जो ये रोल्स मैंने लगाए हैं ना, ये छोटे रोल्स हैं, मतलब एक बड़ा रोल है ना उसका हाफ साइज, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, हाफ हाफ करके ये सारे यहाँ पे चिपकाए थे कार्डबोर्ड में। अब इसी को कंटिन्यू करते जाना है, तो हम यहाँ यहाँ तक व्यू करेंगे, फिर हम आगे कैसे करना आपको बताएंगे, ठीक है? तो चलिए बाय।